नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। रेलवे की महिला कर्मचारी को जिंदा जलाने का प्रयास, 4 माह बाद हत्या के प्रयास का मामला दर्ज। वीजेएनटी को आरक्षण की जरूरत, आंदोलनकर्ता। और वाड़ी में चोरी करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर रेलवे की महिला कर्मचारी को जिंदा जलाने का प्रयास करने का मामला करीब 4 महीने बाद सामने आया है। जरीपटका पुलिस ने इस मामले में आरोपी महिला के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया। मिली जानकारी के अनुसार 54 वर्षीय उषा तायडे रेलवे में कर्मचारी है। वह भीमसेना नगर झोपड़पट्टी में शेरा बाबू मिश्राम नामक व्यक्ति के घर में रहती है। 18 जून 2021 की शाम उषा जब ड्यूटी से घर लौटी, उस समय शेरा बाबू, उसकी मां माया और पत्नी रश्मि की बातें चल रही थी कि गाड़ी की किश्त भरने के लिए उषा से 30,000 रुपये लिए जाए। उन्होंने उषा से जब 30,000 रुपये मांगे तो उसने ये कहकर रुपये देने से मना कर दिया कि पहले जो रुपये दिए हैं वह अभी तक वापस नहीं किए गए हैं। जिसके बाद उषा जब कपड़े बदलकर रसोई घर में गई तो वहां शेरा बाबू और उसकी मां और पत्नी मौजूद थे। उषा कुछ समझ पाती इसके पहले ही रश्मि ने उषा पर केरोसिन उंडेल दिया और उसे आग के हवाले कर दिया। शेरा बाबू ने तत्काल किसी तरह आग बुझाई और उषा को निजी अस्पताल में ले गया। उपचार के दौरान अस्पताल प्रशासन ने घटना की सूचना जरीपटका पुलिस को दी थी। अस्पताल में उषा बात करने की स्थिति में नहीं थी। उसने बयान देने और शिकायत करने से मना किया। घटना के करीब 4 माह बाद सोमवार को पुलिस निरीक्षक तृप्ति सोनवने के पास उषा ने अपने बेटे के साथ प्रकरण की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। इस प्रकरण से रश्मि को संदेह था कि उषा और शेरा बाबू के बीच में अवैध संबंध है। जब उषा ने रुपए देने से मना किया तो पहले से खफा रश्मि ने उषा को जला दिया। जरीपटका पुलिस थाने में अपराध क्रमांक 646/21 भादवी कलम 307 प्रमाणे गुन्हा दाखल झाला। याच्यातली तक्रारदार जी आहे उषा प्रकाश तायडे, तिला 18/6/2021 रोजी ती ज्या घरात किरायाने राहत होती तिथला घरमालकाच्या पत्नीने अंगावर रॉकेल टाकून जाळण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। त्याबाबत ही तक्रारदार हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट असल्याने आणि जॉब देण्याच्या परिस्थितीत नसल्याने तिने आत्ता येऊन काल रोजी आमच्याकडे गुन्हा दाखल केलेला आहे। यामध्ये आरोपी रश्मी शेराबाबू मेश्राम ही अटक केलेली आहे आणि गुन्ह्याचा तपास चालू आहे। आरक्षण हक्क कृति समिति व संघर्ष वाहिनी संगठन द्वारा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। सरकार द्वारा VJNT आरक्षण को असंवैधानिक बताने के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने विरोध जताया। पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळालंच पाहिजे, पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळालंच पाहिजे। VJNT आरक्षण को सरकार द्वारा असंवैधानिक बताने के खिलाफ संपूर्ण राज्य में VJNT द्वारा रोष व्यक्त किया जा रहा है। नागपुर में भी सरकार के इस फैसले का विरोध किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि VJNT के आरक्षण को सरकार ने असंवैधानिक बताया, जो सरासर गलत है। VJNT को आरक्षण की बहुत जरूरत होने की भी बात उन्होंने कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक राज्य सरकार अपने शपथ पत्र में बदलाव नहीं लाती है तब तक उनके द्वारा इसका विरोध किया जाएगा। आरक्षण हक्क कृति समिति व संघर्ष वाहिनी संगठन द्वारा सरकार के खिलाफ किए गए धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। आरक्षण कृति हक्क समिति याच्या माध्यमातून सुरू आहे। खास करून हे प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन हे प्रामुख्याने महाराष्ट्र सरकारने 29 सप्टेंबरला जे ॲफिडेव्हिट सादर केलेलं आहे ते ॲफिडेव्हिटच्या विरोधात हे निदर्शन सुरू आहेत। सरकारने जे ॲफिडेव्हिट सादर केलेलं आहे ते असे की 2004मध्ये सरकारने जो आरक्षण रिझर्वेशन इन प्रमोशन हा कायदा केला, त्या कायद्याच्या दरम्यान या कायद्याला चॅलेंज करण्यात आलं सुप्रीम कोर्टामध्ये आणि सुप्रीम कोर्टामध्ये चॅलेंज केल्यानंतर नुकताच सरकारने 29 सप्टेंबर 2021ला एक 76 पेजचं एक ॲफिडेविट सादर केलं ज्यामध्ये सरकारने असं म्हटलं आहे की VJNTचं आरक्षण हे अनकॉन्स्टिट्युशनल आहे, असंवैधानिक आहे, त्याच्यामुळे आम्ही त्यांना पदोन्नतीतील आरक्षण देऊ शकत नाही. अशा प्रकारची खोटी माहिती, चुकीची माहिती, अनकॉन्स्टिट्यूशनल माहिती सरकारने कोर्टामध्ये सादर केलेली आहे. पाड़ी पुलिस ने चोरी के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया. साथ ही आरोपियों से चोरी का 1,78,000 का सामान भी जब्त किया गया. शिकायतकर्ता आशीष डागा का नागपुर के जय मंगल मूर्ति सोसाइटी परिसर में आइकॉन इंडस्ट्री है. इस इंडस्ट्री में पानी की मोटर पंप रिपेयर करने का काम किया जाता है. शिकायतकर्ता ने बताया कि 5 सितंबर को इंडस्ट्री का शटर खोलने के लिए वर्कर ज्ञानेश्वर नांदे सुबह 9 बजे पहुंचे, लेकिन उन्हें शटर का ताला टूटा हुआ नजर आया, जिसके बाद उन्होंने मालिक को इसकी जानकारी दी. शटर खोलकर देखा तो इंडस्ट्री से एक आईफोन, मॉनिटर, कंप्यूटर का CPU समेत मोटर पंप का सामान चोरी हुआ था, जिसके बाद इंडस्ट्री के मालिक ने वाड़ी पुलिस थाने में चोरी की शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने भी चोरी करने वाले 5 आरोपियों की तलाश कर उन्हें गिरफ्तार किया. सभी आरोपी नागपुर के रहने वाले हैं. पुलिस ने आरोपियों से चोरी का 1,78,000 का माल जब्त किया है. नागपुर शहर में जल्द ही अब गड्ढों की समस्या से नागपुर वासियों को छुटकारा मिल सकता है, जहां बुधवार को नागपुर महानगर पालिका के विशेष सभा में गड्ढे की मरम्मत और कचरा संकलन के लिए मनपा प्रशासन ने 36.5 करोड़ की राशि आवंटित की है. ऐसी जानकारी नागपुर शहर के महापौर दयाशंकर तिवारी ने एक वीडियो संदेश के दौरान दी. नागपुर महानगर पालिका की आज विशेष सभा थी और इस विशेष सभा में इस शहर के विकास के दृष्टि से एक सकारात्मक, इस शहर के सभी की सुविधा के दृष्टि से एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया. विशेष रूप से मैं उल्लेखित करना चाहूँगा कि गत माह में 27 तारीख को एक बैठक हुई, वह भी विशेष बैठक थी, जिस विशेष बैठक में इस शहर के विकास के दृष्टि से प्रशासन के द्वारा लिए गए कार्यों पर चर्चा की गई. कॉरपोरेशन के इतिहास में यह पहला मौका था कि प्रशासन से पूछा गया कि प्रशासन ने किस प्रकार का विकास कार्य किया है, उसकी जानकारी सभागृह के पटल पर रखें. और उस सूचना में प्रशासन ने कहा था कि पिछले 1.5 वर्षों से काम न होने के कारण रस्ते खराब हो गए हैं, अवस्था बिगड़ गई है और पिछले 1.5 वर्षों से काम न होने के कारण शहर के सड़कों पर 40% गड्ढे बढ़ गए हैं. 27 तारीख की सभागृह में हमने रूलिंग दी थी कि इसको सुधारने की दृष्टि से दिसंबर तक ये सारी सड़कें सुव्यवस्थित हो जाए, इस दृष्टि से प्रशासन को जो उपाय योजना करनी है उसके लिए लगने वाली निधि जो है, इस निधि का व्यवस्थापन बजट के अन्य पदों में जो राशि रखी गई है उन राशि को रास्ते के काम में परावर्तित करते हुए यह काम करने का एक सकल प्रस्ताव सभागृह के पटल पर रखा जाए. मैं प्रशासन का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि 27 तारीख को हमने 15 दिन का समय दिया था और प्रशासन ने 15 दिन से पूर्व हमें वो सूचना दी और जिसके आधार पर हम लोग आज 13 तारीख को अर्थात 16वें दिन सभागृह में चर्चा करके उस विषय पर निर्णय ले सकें. प्रशासन ने कुल मिला के 36 करोड़ रुपए की राशि है, 36.5 करोड़ रुपए की राशि है जो हमें बजट में सड़क सुधारने के लिए और शहर के कचरे के व्यवस्थापन के लिए बढ़ा करके दी है. वर्धा में नवरात्रि पर्व पर ठाकरे परिवार के यहाँ हर्षोल्लास के साथ महालक्ष्मी की स्थापना की गई. ठाकरे परिवार के घर ज्येष्ठा गौरी को 180 वर्ष पूरे हो चुके हैं. वर्धा के ठाकरे परिवार के यहाँ नवरात्रि पर्व के दौरान महालक्ष्मी माता का आगमन हुआ. घर में महालक्ष्मी माता के आगमन होते ही चारों ओर हर्षोल्लास का माहौल था. 2 दिन के लिए आई महालक्ष्मी माता के लिए जोरों शोरों से तैयारी की गई. वही उन्हें 56 भोग का नैवेद्य चढ़ाया गया. इस दौरान संपूर्ण परिवार ने एक साथ माता की आरती कर जल्द ही कोरोना से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की. आमच्या इथे यंदा वर्षी खूप मोठा कार्यक्रम झाला, पण लास्ट इयर कोविडमुळे थोडासा शॉर्टकट मध्ये निभवण्यात आला. आमच्याकडे महालक्ष्मी या 2.5 दिवसासाठी बसतो, पण हे 2.5 दिवसाचा प्रवास नसतो. हा प्रवास 15 दिवसा पहिल्यापासूनच सुरू होतो. पूर्ण घराची साफसफाई, सर्व सामान आणण्यापासून तर महालक्ष्मी उठेपर्यंत हा पूर्ण 15-20 दिवसाचा प्रवास असतो. त्याच्यामध्ये मग आम्ही महालक्ष्म्यांसाठी साड्या वगैरे घेतो आणि त्यांच्यासाठी फळं फुलं सर्व अरेंज करणं हे आमच्याकडे म्हणजे ताई दादा आणि माझ्याकडे हे पूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी असते. आणि त्यानंतर मग यावर्षी तरी देवीकडे हीच प्रार्थना आहे की जे कोविडमुळे इतकं मोठं नुकसान झालं आहे, आर्थिक नुकसान आणि सर्व काही, ते लवकर लवकर संपो आणि ज्यांना खायला पण भेटलं नाही यावर्षी त्यांचं पण घरी लवकर लवकर चांगलं उत्पादन येवो। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाई व्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाई व्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाई व्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाई व्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाई व्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, डिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रामटेक शहर में नवरात्रि उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं कुमारिका माता मंदिर और मां काल का मंदिर में भक्तों का दर्शन के लिए तांता लगा रहा है। नागपुर जिले के रामटेक तहसील में जय मां कुमारिका बाहुली संस्थान द्वारा हर साल नवरात्रि उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। खास बात तो ये है कि माता कुमारिका अष्टकोनी आकार के होम कुंड से प्रकट हुई थी। सैकड़ों वर्षों पहले क्रोधागिनी ऋषि का ये आश्रम था। पूजा अर्चना, ध्यान, तपश्चर्या व समाधि, अभिषेक कर इस कुंड का निर्माण क्रोधाग्नि ऋषि ने किया था। ऋषि के तप से खुश होकर इसी कुंड से माता निकली थी। तभी से ही इस कुमारिका बाहुली मंदिर में नवरात्रि उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं। ऐसी जानकारी संस्थान के अध्यक्ष तुलसी चौधरी ने दी। वहीं रामटेक में ही स्थित कालका देवी मंदिर में काली देवी का स्वरूप महाकाली विराजमान है। इस मंदिर में भी सुबह से भक्तों का दर्शन करने तांता लगा रहता है। इस मंदिर में प्राचीन काल की कला देखने मिलती है। हजारों भक्त दर्शन कर अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। सोने के गहने देने का लालच दिखाकर युवक के साथ 1 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को बुल्ढाना पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। 3 लोगों द्वारा सोने के गहने देने का लालच दिखाकर युवक के साथ धोखाधड़ी का मामला उजागर हुआ है। आरोपियों ने युवक से 1 लाख रुपए ऐंठे और दोपहिया लेकर भाग निकले। बुल्ढाना शहर के बाहर विजयलक्ष्मी पेट्रोल पंप के सामने ये घटना घटी। पुलिस ने इस मामले में मोटरसाइकिल समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक फरार आरोपी की तलाश जारी है। जानकारी के मुताबिक नांद्रकोली के 26 वर्षीय भारत वीरशीत और सिंधखेड़ा राजा के विलास रंगनाथ पवार ने खामगांव के सावजी लेआउट के 25 वर्षीय शुभम चकोते के साथ फोन पर संपर्क कर उनके पास 10 ग्राम कॉइन होने की बात कही और उसे ग्राहक ढूंढने पर उसे 25,000 कमीशन देने को कहा। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ 420-34 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी भारत वीरशीत और शुभम चकोते को गिरफ्तार किया, जबकि फरार आरोपी विलास पवार की तलाश जारी है। हद्दीमध्ये आर्मी रोडवर पल्लवी लॉनच्या समोर 2 इसम मृतावस्थेत पडलेले आहे अशी माहिती मिळाली। त्या माहितीवरून आम्ही स्टाफसह त्या ठिकाणी गेलो असता त्या ठिकाणी जखमी होत 2 इसम मृत पडलेले होते। त्यांची माहिती घेतली असता एकाचं नाव वसीम पठाण व दुसरा उमेश हरमे असल्याची नाव त्यांचे निष्पन्न झाले। अधिक माहिती घेतली असता त्यांचं या गुन्ह्यामधले जे आरोपी आहेत त्यामधला जो मुख्य आरोपी आहे शेख रहमान याच्याशी त्याचे जुने वाद होते। त्यांचे या आधी पण वाद झाले होते। त्या वादाच्या कारणावरूनच ते सदरचे कालचं दुहेरी हत्याकांड झाल्याचं निष्पन्न झालेलं आहे। गुन्ह्यामध्ये 5 आरोपी निष्पन्न झालेले आहेत। ते 5ही आरोपी आम्ही अटक केलेले आहे व एक विधी संघर्ष बालक आहे आम्ही असे 5ही आरोपी आम्ही ताब्यात घेतलेले आहे आणि पुढील कारवाई सुरू आहे। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने पुणे में राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर कोविड काल में भ्रष्टाचार करने का आरोप भी लगाया, साथ ही पवार परिवार के बारे में बड़ा घोटाला सामने लाने की बात कही। भाजपा के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने राज्य की ठाकरे सरकार पर पुणे में आयोजित पत्र परिषद में जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पर सीधा आरोप लगाया कि उन्होंने कोविड काल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की, साथ ही ठाकरे सरकार ने सत्ता में आते ही कई भ्रष्टाचार किए। वहीं उन्होंने पवार परिवार के बारे में कहा कि पवार परिवार ने कौन से घोटाले किए ये राज्य की 12.5 करोड़ जनता को पता चलना चाहिए। डायवर्ट करण्यासाठी मी जसं आपल्याला सांगितलं 18 पॉलिटिकल लीडर्स कोणी मंत्री असेल, खासदार असेल, नामदार असेल, त्यांच्यावर इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आहे आणि म्हणून त्या असं हे ते बहाने काढायचा प्रयत्न करतात। घोटाळेबाज आमचं लक्ष फार स्पष्ट आहे। या उद्धव ठाकरे सरकारने पहिल्या दिवसापासून कोविडमध्ये पण घोटाळा केला। रेमडेसिवीर इंजेक्शन हाफकिन इन्स्टिट्यूटने 7 एप्रिल 2021 665 मध्ये घेतले आणि तेच रेमडेसिवीर इंजेक्शन मुंबई महापालिकाने 7 एप्रिल 2021 1665 ने घेतले। लोकांकडे सुनावणी सुरू झालेली आहे। म्हणून ह्या कोविड करप्शन करणाऱ्या लोकांना त्यांच्यावर कारवाई व्हावी, महाराष्ट्र भ्रष्टाचार मुक्त व्हावा, हेच माझं लक्ष्य। जे हिंदुस्थानातली वन ऑफ द बिगेस्ट इन्कम टॅक्स रेड आणि हिंदुस्थानातलं एक बिगेस्ट पॉलिटिकल पॉवरफुल परिवार, त्याची कथा, त्यातला एक अध्याय मी 3 वाजता पत्रकार परिषदेत तर ते अध्यायातलं एक पान जनतेसमोर ठेवणार। म्हणजे पॉवरफुल पवार परिवार काय आहे हे 12.5 कोटी जनतेला कळेल। त्यासोबत बरोबर आज आमचे मित्र सहयोगी सचिन पटवर्धन वकील साहेब विस्तृत चर्चा केली। हसन मुश्रीफ 1500 कोटीचा ग्राम विकास घोटाळा आज दुपारी 1 वाजता आता महाराष्ट्र पोलिसांनी मला माहिती दिली आहे की तुमची तक्रार आम्ही स्वीकार केली आहे आणि ती जी तक्रार हसन मुश्रीफच्या विरोधात आहे त्याचा पुढचा तपास एंटी करप्शन ब्युरो ACB करणार आहेत। 1 वाजता पुणे पोलीस हेडक्वार्टरमध्ये ACBचे सिनियर अधिकारी आणि आमची भेट आहेत। माझं स्टेटमेंट पण ते घेणार आहेत। म्हणजे शेवटी ठाकरे पवार सरकारला दुखावं लागलं। हसन मुश्रीफ 1500 कोटीचा घोटाळाचा तपास सुरू होत आहे। कोरोना काल में ST महामंडल को करोड़ों का नुकसान सहन करना पड़ा। नुकसान की भरपाई अब भी पटरी पर नहीं लौटी है। यही वजह रही कि मंगलवार को गणेशपेट स्थित ST महामंडल में करीब 2 घंटे के लिए बसें जमा हो गई। इसकी वजह रही डीजल के स्टॉक का खत्म हो जाना। बसें बंद होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कोरोना के कारण ST महामंडल की हालत खस्ता हो गई है। हालांकि कोरोना का प्रभाव कम होने के बाद लगभग सभी रूट की बसें शुरू हो गई है, लेकिन अब भी फेरियों की संख्या कम है। स्कूल और कॉलेज भी पूरी तरह से शुरू नहीं हो सके हैं। वर्तमान में जो स्थिति है उसमें सुधार होने में और वक्त लग सकता है। आर्थिक खस्ता हालत का उदाहरण मंगलवार को भी देखने को मिला। गणेशपेट स्थित ST महामंडल के परिसर में लगे पंप पर डीजल ही खत्म हो गया था। समय पर आपूर्ति नहीं किए जाने के कारण बसों को डीजल नहीं मिल सका। इस वजह से लंबी दूरी की सभी बसें रोक दी गई। केवल नागपुर जिले में जाने वाली बसें ही शुरू थी। बसों की देरी का कारण यात्रियों को भी समझ नहीं आया। काफी प्रतीक्षा करनी पड़ी। करीब 2 घंटे के बाद डीजल की आपूर्ति होने के बाद बसें रवाना हुई, लेकिन तब तक कई यात्री परेशान होकर ट्रैवल्स बसों की ओर रवाना हो चुके थे। बताया जाता है कि ST महामंडल की आर्थिक हालत खराब हो गई है। महाराष्ट्र में महिला कैदी की मुक्ति के लिए मिशन मुक्ता अभियान राज्य की महिला व बाल कल्याण विभाग द्वारा चलाया जाने वाला है, जिसकी जानकारी महिला व बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकुर ने दी। ज्ञात हो कि राज्य भर के कारागृह में ऐसे कई महिला कैदी है जो परिस्थिति का शिकार होकर जेल पहुंच गए हैं, जिनमें से कुछ छोटी मोटी गलतियों के कारण आज भी जेल में फंसे हुए हैं। उन महिला कैदियों को जमानत कैसे मिले, उस पर क्या करना चाहिए, कैसा अर्ज किया जाए, इस बात पर अधूरा ज्ञान होने और कुछ तकनीकी कमियों के चलते महिलाएं सजा काट रही हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य के महिला व बाल कल्याण विभाग मिशन मुक्ति चलाने वाला है, जिसकी जानकारी महिला व बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकुर ने दी। जो महिला काही शिल्लक कारणांवरनं जेलमध्ये आहेत आणि ज्यांची बेल घ्यायला लोक नाही आहेत, ज्यांचे काही पैशांमुळे बेल मिळत नाही आहेत अशा भरपूर महिला जेलमध्ये काही 4 वर्ष काही 8 वर्ष काही 15 वर्ष आहेत। तर त्याच्यासाठी आम्ही महिला व बालकल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत आम्ही एक योजना काढतो आहे, मिशन काढतो आहे। त्या मिशनचं नाव आम्ही मिशन मुक्ता असं ठेवलेलं आहे। त्याला आम्ही लॉ अँड ज्युडिशरीची जी सगळी मंडळी आहे, डालसा मालसा ची जी मंडळी आहे आणि आमचं WCDचं जे कमिशनरेट आहे त्यांना आम्ही सोबत घेतो आहे आणि ज्या ठिकाणी आम्हाला महिला आयोगाचं इंटरव्हेन्शन लागेल त्या ठिकाणी आम्ही ते देखील करू आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये या मिशन मुक्तामुळे माझ्या बहिणींना माझ्या आयांना त्या ठिकाणी मुक्ति मिळेल अशी अपेक्षा आहे। तो प्राइम टाइम न्यूज़ में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए VKB न्यूज़। नमस्कार।